वेलकम टू राष्ट्रपति भवन इन न्यू दिल्ली, जहां भारत के राष्ट्रपति आज भी खुद रहते हैं। आप इनका घर, गार्डन, म्यूजियम तीनों देख सकते हैं, बट यस ऑफ कोर्स विद सम प्रायर रजिस्ट्रेशंस और कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो करने के बाद। तो आज मैं सैर कराऊंगी आपको राष्ट्रपति भवन की गार्डन यानी अमृत उद्यान की, जो कि खुल चुका है 16 अगस्त से 17 सितंबर तक के लिए जनरल पब्लिक के लिए। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा पहली बार हो रहा है कि राष्ट्रपति भवन का गार्डन साल में दूसरी बार खुल रहा है। तो चलिए आपको मैं घुमाती हूँ और दिखाती हूँ कि क्या कुछ खास है इस बार अमृत उद्यान में। अमृत उद्यान 15 एकड़ में फैला हुआ है। यहाँ आपको चारों तरफ हरियाली, कई तरह के फ्लावर्स और हर्बल प्लांट्स नजर आएंगे। ये गार्डन डिवाइडेड है ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और ब्यूटीफुल सर्कुलर गार्डन में, जहाँ आप गर्मियों में खिले रंग बिरंगे फूलों की सुंदरता का आनंद ले पाएंगे। अमृत उद्यान में आपको देखने को मिलेंगे हर्बल गार्डन, बोनसाई गार्डन और कई प्रकार के फूलों के बगीचे। ऐसा पहली बार हो रहा है कि ये गार्डन जनरल पब्लिक के लिए साल में दूसरी बार खुल रहा है। अंदर आते ही आपको दिखाई देगी बाल वाटिका, जो कि बच्चों को बहुत लुभा रही है। बच्चों के मनोरंजन के लिए यहाँ पर झूले भी लगाए गए हैं, जिस पर बच्चे काफी एंजॉय करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आपको यहाँ पर नजर आएगा एक सेल्फी पॉइंट, जहाँ पर लिखा है आई एम एट अमृत उद्यान एट राष्ट्रपति भवन। तो यहाँ आप अपने यादगार सफर की एक खूबसूरत तस्वीर भी ले सकते हैं। इसी वाटिका में आप 225 साल पुराना सीसम का पेड़ देख पाएंगे। इस पेड़ पर एक मचान बनाई गई है और यहाँ नीचे लगे बोर्ड पर दी गई जानकारी से आप इस पेड़ की पूरी कहानी जान पाएंगे। और केवल पौधे ही नहीं, बल्कि पंछियों की भी कई प्रकार की प्रजातियां आपको अमृत उद्यान में देखने को मिलेंगी। अमृत उद्यान में खास तौर पर बच्चों के लिए इस बार एजुकेशनल वर्कशॉप्स का आयोजन किया गया है। थोड़ा आगे आने पर आपको दिखाई देगा म्यूजिकल गार्डन। म्यूजिक के धुन के इशारे पर नाचते ये पानी के खूबसूरत फव्वारे देखने में बेहद खूबसूरत नजर आते हैं। ये म्यूजिकल गार्डन्स यहाँ के वन ऑफ द मेन अट्रैक्शंस में से एक है। सेंट्रल गार्डन में पहुंचते ही आपको दिखाई देगा राष्ट्रपति भवन का नजारा। चारों तरफ हरियाली, रंग बिरंगे फूल और बीच के रास्तों में पानी के फव्वारे, ये एक बेहतरीन नजारा है और एक परफेक्ट पिक्चर पॉइंट भी। अमृत उद्यान की खास बात ये है कि यहाँ क्यारियों में आपको QR कोड स्कैन करने के लिए बोर्ड्स नजर आ जाएंगे। अगर आप इन प्लांट्स के बारे में पूरी जानकारी डिटेल्स में लेना चाहते हैं, तो आप इसे अपने फोन पर स्कैन करके पूरी जानकारी ले सकते हैं। यहाँ हमारी इंडिया की करंट प्रेसिडेंट ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू मैम अपने परिवार के साथ रहती हैं। इस अमृत उद्यान में वो डेली सुबह खुद वॉक करने आती हैं। ये जो डोम आप देख रहे हैं, अगर इसके ऊपर फ्लैग है, दैट मींस प्रेसिडेंट मैम इज एट होम। अमृत उद्यान में एंट्री बिल्कुल फ्री है। आम लोगों के लिए एंट्री नॉर्थ एवेन्यू के पास राष्ट्रपति भवन के गेट नंबर 35 से होगी। इसके लिए आप इनकी वेबसाइट visit.rashtrapatibhavan.gov.in पर जाकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक ऑनलाइन टिकट बुक कर सकते हैं। 5 सितंबर 2023 को टीचर्स डे के दिन स्कूल टीचर्स और प्रिंसिपल्स के लिए एंट्री रिजर्व्ड रहेगी। टीचर्स और प्रिंसिपल्स अपने आईडी कार्ड्स दिखाकर अमृत उद्यान में एंट्री ले सकते हैं। अमृत उद्यान में एंटर करने के लिए आपको कोई चार्जेस नहीं देने, बस आप यहाँ पर आइए। यहाँ पर सेल्फ सर्विस कियोस्क आपको नजर आएंगे। यहाँ पर अपनी सारी डिटेल्स डालने के बाद एक OTP आपके टेलीफोन पर आएगा, उसको सबमिट करते ही आप यहाँ से अपनी एंट्री पास ले सकते हैं और जा सकते हैं गेट नंबर 35 की तरफ। What an amazing and beautiful experience it was. आप भी जरूर रूबरू होने आइएगा इस जगह से, क्योंकि ये सबसे अच्छा मौका है जब आप देख पाएंगे the house of your president और जहां आप experience कर पाएंगे इस beautiful अमृत उद्यान को। खैर देर मत कीजिएगा, क्योंकि ये खुला है सिर्फ 17 सितंबर तक। तो खैर मैं मिलूंगी आपसे अगले हफ्ते फिर एक नई जगह पर। अगर आप ऐसे ही और ब्यूटीफुल एक्सपीरियंसेस करना चाहते हैं तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। तब के लिए